हिंदी हिंदी हिंदी, मेरी बात तो सुन लो चाचा, मेरी बात तो सुन लो। मैं क्या आराम से बोल रहा हूँ ना, आराम से बात कर रहा हूँ ना, आवाज मेरी भी भारी है। लाइसेंस तो घर पे है। लाइसेंस नहीं है आपके पास? छोटा छोटा सा बात को ईगो पे ले रहा है वो। रुको रुको भाई रुको, मैं चला रहा हूँ ना। इतना सा बच्चो टेप में डाल ली, मारो धक्का धक्का मारो। आप उतरो ना। अरे धक्का मारो ना, उतरो ना। सो हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अभी हम लोग नेपाल राइड से आए थे, बहुत मजा आया। वहां पे एक सीन हुआ, तो वो डिटेल में क्या हुआ अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो होता क्या, हम लोग नेपाल से काठमांडू से पोखरा जा रहे थे, वहां पे रास्ते में एक पुलिस वाला सामने आया। ठीक है, हमजा भाई बिल्कुल पीछे चल रहे थे हमारे। तो मैं जा रहा हूँ नॉर्मल, पहले गियर में 50-60 की स्पीड रही होगी। अब वो क्या होता है, एक आदमी ना शुरू से हाथ दे पुलिस वाला, तो रुक जाए। अब वो एकदम से सामने आया, उसने घूसा बनाया, तो मैं कट मार के निकल गया। इस वजह से अभी आप लोगों वीडियो में देखेंगे, बच गया वो, तो उस दिन उड़ जाता। उड़ जाता, अगर मेरे घूसा लग जाता तो फिर तो कुछ और ही सीन होता। उड़ा था सीधा गाड़ी पे। अब थोड़ी देर बाद ही देखना आप लोग कि मैं, मेरे को आगे पुलिस वाले ने नॉर्मल हाथ दिया। मैं चाहता अगर भागना होता तो मैं वहां से भी कट मार के निकल जाता, बट मैं रुक गया। फिर वो पुलिस वाला आता है पीछे से भाई, भागता हुआ और बदतमीजी कर रहा, फुल क्या क्या कर रहा, अभी आप लोग देख लेना क्या क्या हुआ। साइड में लगा लेते हैं। हिंदी 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 छपर हो गए, अगर छपर हो गए। हाँ जी सर, हिंदी। हाँ नहीं, आराम से आराम से बोलिए। किस तरह की आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी ना, आपकी इंडिया में नेपाल में ऐसे गाड़ी, चार पांच दर्जन गाड़ी। मैं वो नहीं कह रहा, मेरी बात सुनो। किस तरह की? अरे मेरी बात तो सुनो, इसके थ्रॉटल में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना, ये सब बंदे दिख रहे हैं, क्या तरीका है तो आपका गाड़ी चलाने का? थ्रॉटल में इसके प्रॉब्लम हो रही है। आपका डॉक्यूमेंट दीजिए। क्या देखना है? डॉक्यूमेंट बंसार, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इसका गाड़ी का कागज और बंसार। बंसार देख लो, सब कागज। शांत हो जाएगी सर, आराम से, कोई नहीं। आपकी बात सही है, बट मैं क्या कह रहा हूँ, उसके ना थ्रॉटल में प्रॉब्लम हो रही है कि ना, चला के देख लो। अरे तो अभी सुनो, दिल्ली से आ रहा हूँ मैं, तो रास्ते में प्रॉब्लम हो गई। अरे मेरी बात तो सुन लो चाचा, मेरी बात तो सुन लो। मैं क्या आराम से बोल रहा हूँ ना, आराम से बात कर रहा हूँ ना, आवाज मेरी भी भारी है। चिल मारो सर, आराम से बात करिए। क्या इस लाइसेंस तभी तो मिलता है, बैग में वो पूरा बैग खोलना पड़ेगा। फोटो दिखा दूं? नहीं, तो बात तो वही पड़ेगी। लाइसेंस तो घर पे है। लाइसेंस नहीं है आपके पास? अम्मी बाहर नहीं जाने देती ना, लाइसेंस रख लिया अम्मी ने। Guys, check it out. अरे भाई 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 भाई, मोटा खर्चा हो जाएगा, इसको पकड़ के रखो यार। अरे मेरी जान, आपका नाम क्या, बात तो सुनो। ये लो, आराम से बात करो यार। थैंक यू, कागज उनसे ले लो, वो मालिक है, अमीर आदमी है। देख रहा था सब, जे देखा था ते ही बने आओ।
अरे मेरी बात सुनो, इधर इधर आओ, इधर अरे मैं क्या आपको धक्का दे रहा हूँ? मैंने कहा मेरी बात सुनो, अरे तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कोई धक्का थोड़ी ना दे रहा हूँ। बात तो सुनिए मेरी, ऐसे पूछ लूँ? बात तो सुनिए आप इसको चलाओ ठीक है, इसमें रास्ते में प्रॉब्लम आ गई तो ना थ्रॉटल ना जर्क मारता है, वो है तो सर ये अभी नहीं आई है प्रॉब्लम। सुनो मेरी बात, एक बार मेरी बात सुन लिया, मैं आपकी पूरी सुनूंगा ठीक है। हम लोग दिल्ली से आए, दिल्ली से लगभग अभी 3,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, तो रास्ते में प्रॉब्लम, अभी जा रहे हम पोखरा, पहली बार आया हूँ मैं नेपाल ठीक है, मुझे नहीं पता अच्छी जगह है, तो इसके ना थ्रॉटल में ये टीपीएस सेंसर बोलते हैं, आप चलाओगे थ्रॉटल छोड़ रहे हो ना तो झटका मार रही है तो ये, और आप चला के देख लो यकीन नहीं आ रहा, सिर्फ यही हुआ है ये जाके ना इंडिया में ही सही होगी, यहाँ कावासाकी का सर्विस सेंटर नहीं है। हाँ जी बोलिए, नहीं है सर, चलो दिखा दो अभी। अरे सर चलो आओ बैठो, आओ बैठो, चलो आओ सर्विस सेंटर, चलो नहीं बनता। अरे मेरी जान मेरी बात तो सुनिए सर, खराब है ना सुनिए, अरे तो मैं कह तो रहा हूँ रास्ते में खराब हुई है, दिल्ली से आया बना लो कोई तरीका है गाड़ी चलाने का। अरे सर बात तो सुन लो, नहीं है यहाँ पे क्या व्हीली, अरे इसके सामने से निकला था ना थ्रॉटल था तो इसलिए, छोटा सा बात को ईगो पे ले रहा है, वो छोटा सा बात को ईगो पे ले रहा है, किया ही नहीं है ना। हेलो यार मेहमानों के साथ तुम ऐसे कर रहे हो, फिर तुम मेरे साथ इंडिया आएंगे फिर मैं भी ऐसे करूंगा अच्छा लगेगा? नहीं एक बात बताओ, तुम कह रहे हो सुनो मेरी बात, सर आप सीनियर है, सर आप सीनियर है, आपसे बात कर लो दो मिनट, ये तो सुन नहीं रहे, इनसे मैं ऐसे कर रहा हूँ सर सर ये तो बोल रहे बदतमीजी कर, आपसे बात कर लो दो मिनट है ना। मैंने इनको बोला दिल्ली से गाड़ी आ रही है, अब बताइए आपके गेस्ट हैं ऐसे कर रहे हैं बदतमीजी कर रहे हैं, मैं इनसे ऐसे कर रहा हूँ सर कह रहे हैं हाथ लगा रहे हो, मैं इनसे ऐसे बोल रहा हूँ हाथ मत लगाओ मैं पुलिस वाला हूँ वर्दी हूँ, यार तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा कर रहे हो, मैं तो जिंदगी में फिर तो आऊंगा नहीं, आपके टूरिस्ट है मेहमान है, अब निकलना बंसार खत्म हो जाएगा, मुझे काम है, अभी ऐसे बोल रहे हैं बताइए, गलत कह रहा हूँ तो बताइए, आप खुद बाइक चला के देख लो समझ आ जाएगा, बड़े भाई हो यार आप सीनियर है आप इनको समझाइए, सर थोड़ा सा तो हो जाता है सर, आप समझाइए सर यार, आप लोगों ने गाड़ी रास्ते में अच्छी तरह चलो, सही तो गलती हो गई ना, चलो ऑफिस में चलो फाइन जुर्माना करेंगे उसके बाद चलना है, यही पे कर दो, बोल दिए ना सर इनको आप, आप समझा दिए अब टाइम हमारा भी खराब होगा, ऑफिस को जाओगे आप, सर पहली गलती है पहली बार आए हैं, आप लोग बोलिए ना कोई जानबूझ के थोड़े ना करें, पहली बार मेहमान आए, अरे मैंने बोला कि इसके उसमें प्रॉब्लम हो रही है सर, जानबूझ के मैं यहाँ के लोगों को डराने नहीं आया हूँ, समझ गया नहीं देखो ठीक से राइड यहाँ का हमें नहीं पता है ना, थोड़ा सा गलती हो गई बस, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, अरे नहीं पी रखा है भैया, हम पीते नहीं है भैया, डीएनए टेस्ट कर लो, ठीक है कोई बात नहीं है भाई, बड़े भाई हो आप, गाड़ी घुमा लो, आप बड़े भाई हो दो बात बोलोगे डांटोगे हम समझेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझेंगे, यार राय का पहाड़ बना रहे हो तुम तो, छोटी सी बात को लेके इतना छोटी सी छोटा होते ही नहीं भाई है ना, हम तुम्हारे हम बताओ आप भाई है हम भी भाई है हम एक ही है, तब कि ना रहना सब इतना नहीं, तब के भाई का सुनो, तब के भाई को रुको रुको भाई रुको, मैं चला रहा हूँ ना, लाइसेंस है ना, कहीं भागूंगा नहीं, हाँ तुम चलाओगे चलाओ फिर, तुम इंडिया होगे तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना तब पता लगेगा, तुम्हारा वेलकम हम करेंगे फिर, क्या मारोगे क्या हैं?
के ले जाना है इसे, चला के ड्राइव करके नहीं ले जाना, ये रास्ते से बुरा नहीं हो पाएगी। हम धक्का लगाएंगे ना, कैंसिल क्यों कर रहे हो? धक्का लगाओगे? ठीक है लगाओ, लगाओ धक्का ना, बैठ के नहीं, मैं तो बैठ के मुझसे गिर जाएगी, तुम पैसे दोगे? चाबी निकाल लो, जेब में डाल ली, मारो धक्का, धक्का मारो, आप उतरो ना, अरे धक्का मारो ना, उतरो ना, तो तुम चलाओगे? चलाना नहीं है, और इसे डराए के ले जाओ। गिर गई फिर, गिर गई फिर, तुम जिम्मेदार हो? पता है कितने की है? अरे कितने की बात छोड़ो ना, कितना कितने की है? कितने से ज्यादा है क्या? तो आदमी थोड़ी ना मार दिया मैंने यार, क्या यार इतना यार क्या बात कर रहे हो सर? यार तुम भी ये बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ गलती हो गई, क्या मैं इंटेंशन थोड़ी ना सर आपको मारने का? इतना सा बच्चे हो, इतना सा बच्चे हो, धक्का मार, पता नहीं कहाँ था ना कि ढलान पे धक्का मारो। भाईजान मेरा लाइसेंस तो आप ही के पास है, मैं कहाँ जाऊँगा? मैंने आपको कहीं जाना बोला है क्या? अरे तो फिर धक्का ये कहाँ, ये बहुत भारी है, 203 किलो की बाइक है। अरे कुछ नहीं लगा, फालतू की बकचोदी हो रही है। अरे सर तुम हर चीज पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं कह रहा हूँ ये बहुत भारी है, आप खुद चलो धक्का मारोगे आपको भी इशू होगा। उनके पास है जो बड़े वाले हैं आपके टू स्टार, उनके पास है। फिर ये लोग हमें पुलिस स्टेशन लेकर गए, फिर वहां पे एक थे डीएसपी सर जो भी इनके सीनियर थे। तो गाइस निकल चुके हैं, देख रहे हो नेपाल जाते हैं, थाना जाना तो ऐसा हो गया कंपलसरी, समझ रहे हो? अब यहाँ पे गए, बढ़िया एक सर थे युवराज सर, क्या बंदे थे यार, उसे कहते हैं बात करना, इतने तमीज और तहजीब से बात करी। वो जो बंदा था वो तो बहुत ही बदतमीज था, मेरा तो मूड ही खराब हो गया था, मैंने तो इरादा कर लिया था अब नहीं आने का नेपाल। बट भाई साहब बाकी सारे पुलिस वाले बहुत अच्छे थे वहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। मैंने बोला हाँ मेरी गलती थी, उन्होंने कहा चलो आप टूरिस्ट हो आगे से ख्याल रखना। तो सारा मसला जो था एग्जॉस्ट का था, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट का बहुत सीन होता है सब कुछ, बस उसी की वजह से कि लाउड है ये वो हाथ दे रहा था, मैं रुका नहीं। बट खैर जो हुआ ये सब तो चलता ही रहता है। बाकी नेपाल के लोग बहुत बढ़िया हैं, थोड़ा सा डाउट हो गया था मुझे, मैंने कहा यार अब नहीं आने का, बट नहीं भाई अब तो फिर से आऊँगा मैं। तो गाइस इतनी मशक्कत के बाद फाइनली हमारा पोखरा ट्रिप कंटिन्यू हो चुका है। ये रही टेनर, ये रही टेनर। तो देखो यार मतलब टेनर की बात ही कुछ ऐसी, इतना ज्यादा लाउड है ना कि आदमी के लिए तो भाई साहब इसे देखना एकदम मजबूरी हो जाती है। ये कहीं से गुजरे और पब्लिक इसे ना देखे, दैट इज इम्पॉसिबल। यस मैम जाइए, आप जाइए। गाइस हम लोग आ गए, ये देखो यहीं तो रोका था। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कितनी सारी बकचोदी हुई है, मैं उनको समझा रहा हूँ कि भाई साहब थ्रॉटल में गड़बड़ी है, ये वो फलाना ढिकाना, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि मैं वो बंदा ना बदतमीज से सामने आया तो मैं निकल गया, मैं उसको गाड़ी की आवाज सुन के गाड़ी से कूद गया, वो एग्जॉस्ट से ना वो हो गई, ये क्या आ रहा था, उतनी स्पीड थी नहीं, उतनी स्पीड थी नहीं, बट उसको दिख रहा है क्लियर। और अगर मुझे भागना होता ना तो आगे जो पुलिस वाला था उसके सामने से भी मैं कट मार के दोबारा आगे रुके, तो मैं खुद यही सोच रहा हूँ की क्यों रुक गए, मैं तो भाग जाता, बट जो मेरे साथ दोस्त है उनको दिक्कत होगी, सब लोग को, इसलिए मैं रुक गया। अब बीच में आप लोगों ने देखा होगा एक बंदा टकलू भाई थे, टकलू भाई कह रहे हैं कि तकता सा बचाऊं, इतना सा बचो, इतना सा बचो। मैंने वो पूरी वीडियो अभी देखी, वीडियो देखा, मैंने कहा टकलू भाई तो दूर दूर तक नहीं है कहीं से, ये कहां से इतने इतने से बच गए, क्योंकि जब मैं निकला हूं वो बंदे ने बस हाथ दिया ऐसे यूं किया उसने और मैं निकल गया। टकलू भाई कह रहे मैं तकतों से बचाऊं, और ठीक है सोने पे सुहागा, वही भाई सूरज भाई के पास जाके कह रहे हैं ये कितने की है, हाँ ये कितने की है, आवाज सुनाओ ना, एग्जॉस्ट सुनाओ। मैंने अबे यार मैंने बताया गाड़ी देख लेता तो आगे रोक लेता, आगे रोक लेता भाई, खामा खा झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? मुझे तो उस टाइम ऐसा हो गया था कि भाई मैं क्यों आया, अलग रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रहा है, नंबर प्लेट नहीं है, टायर क्या हुआ तुम? फिर उसके बाद आपने देखा होगा पूरी व्लॉग में
कर रहा हूँ कि उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, अभी भी थोड़ी खराब है, बस थोड़ी सी बेटर है, खांसी अभी भी है। फिर एक सीन क्या हुआ, अब उसके बाद होता क्या, ये ना बहुत लंबी बकचोदी हुई है, सबने व्लॉग व्लॉग बनाया, बहुत बहुत देर हुई थी। फिर ये लोग हमें पुलिस स्टेशन लेकर गए, फिर वहां पे एक थे डीएसपी सर, जो भी इनके सीनियर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, समझाया कि आपकी गलती, एक्सेप्ट करो। मैंने कहा सर आई अपोलोजाइज, बहुत अच्छे से सारे पुलिस वाले, उन्होंने मुझे पानी भी ऑफर किया, बोला कि चाय बिस्किट भी लेना। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो वो कह रहे चाय बिस्किट भी, तो मुझे बहुत अच्छा बिहेवियर लगा। बट थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा हो गया था हमदा किसी माँ की, यहाँ मुझे आने ही नहीं अपने पास, यहाँ के लोग भी अच्छे नहीं है, पुलिस वाले भी नहीं, बट होता है ना इंसान गुस्से में होता, मैंने भी थोड़ा ऊंचा ऊंचा बोल दिया, बट भाई साहब वो थोड़ा टाइम होता, हीट ऑफ द मोमेंट होता, कुछ निकल जाता है मुंह से। बट बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया पुलिस वाले, बहुत बढ़िया नेपाल के लोग, और आई लव नेपाल भाई, बहुत मजा आया। बाइक पे स्टिकर लगाएंगे हम लोग नेपाल वाले, अब जब भी जाया करूंगा ना स्टिकर लगूंगा, इधर इंडिया का फ्लैग, एसएसएल जो एक फ्लैग होता है ना, नेपाल और इंडिया बिल्कुल एकदम साथ साथ, इंडियन नेपाली भाई भाई। फिर उसके बाद हम लोग वहां से आए, वहां काफी सारा, काफी देर तक उन्होंने हमारी बात बात हुई उनसे, पुलिस वालों से। फिर हम लोग वहां से निकले, तो वापसी में बेनेली मैंने चलाई, जावेद भाई ने टहना, फिर मैंने अभी आपको वो जगह भी दिखाई जहाँ पे हम लोगों पुलिस वाले ने रोका। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना जो पोखरा वाली राइड है वो स्टार्ट कर दिया, वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा कैसे कैसे क्या हुआ। और फिर नेक्स्ट राइड में भाई साहब एक चीज और हुई, एक्सीडेंट, वो अभी नहीं बताएंगे वो किसका हुआ कैसे हुआ, वो देखना भाई, वो भी बहुत खतरनाक था। और एक और चीज भाई, लास्ट टाइम नेपाल आया था तब भी पुलिस स्टेशन गया, इस बार नेपाल आया तब भी पुलिस स्टेशन गया, क्या लगता है गाइस अगली बार भी जब नेपाल जाएंगे तो हम खुद से पुलिस स्टेशन जाएंगे चाय नाश्ता करके आएंगे। भाई उन्होंने ऑफर किया था ना, एक चीज बहुत सही लगता है आपको, जब भी पुलिस वाले रुकते सर वो सब तो ठीक है, पहले पानी चाय पिला दो, प्यास लग जाती है। इससे पहले आए थे तब हम बिरयानी की बात कर रहे थे, इस बार मैंने चाय पानी ऑफर किया। और सबसे बढ़िया बात है भाई, वो लोग खिलाते पिलाते भी है, ऐसा नहीं है, खिलाते भी ऑफर भी करते हैं। अब ये जो सारा कांड था, इसका जो है ना मेन कल्प्रिट बोल लो, या जिसके वजह से हुआ इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, वो हम थे। लास्ट टाइम भी हमारे वजह से हम लोग थाने गए थे, इस बार भी हमारे वजह से। नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा कि भाई ऐसा कुछ ना हो, बाकी अगर कुछ हो जाए तो भाई साहब व्लॉग में तो पता ही लग जाएगा। तो ये मत सोचना कि मैं कांडी आदमी हूँ, वो होता है यार, थोड़ा बहुत दिल्ली से थोड़ा गर्मी हो जाती है, समझ रहे हो ना। तो आई होप आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा, मेरे दिल में नेपाल को लेके, नेपाल के लोगों को लेके, नेपाल की पुलिस को लेके कोई गिले शिकवे नहीं है। अगर मेरे हीट ऑफ द मोमेंट में गुस्से में मुझसे कुछ निकल गया तो आई एम सॉरी, क्योंकि भाई उस टाइम बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया था, धूप, ऊपर से गियर्स पहन रखे थे, ऊपर से मुझे सांस नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा था, ऐसा कर रहा था ना, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था, वो भाई मेरा सुन ही नहीं रहा था। अगर वो भाई भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं पुलिस वाले भैया, आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात लगी, कोई बात बुरी लगी हो। नेक्स्ट टाइम आऊंगा इंशाल्लाह, हर एक चीज का ख्याल रखूंगा, कोई बदतमीजी, कोई ओवर स्पीडिंग नहीं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अपन लोग फॉलो करेंगे। तो आई होप आप लोगों को सब क्लियर हो गया हो, तो और भी ऐसे एक्साइटिंग व्लॉग्स के लिए हमारे जो बाकी के व्लॉग्स है ना वहां देख लेना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए नए लोग हैं, ठीक है ना, और इंस्टाग्राम पे जो फॉलो नहीं करता फॉलो कर लो। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, एंड वंस अगेन आई लव नेपाल।